नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूग। मैं मिताली सोनी। बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र के सेवाली गांव के समीप 12 दिन पूर्व हुई रेलवे स्टेशन निवासी खड़ताराम प्रजापत की निर्मम हत्या की गुत्थी समदड़ी पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई है, जिसको लेकर प्रजापत समाज ने रोष व्यक्त करते हुए समदड़ी पुलिस को जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बोला गया है कि 13 जुलाई की रात्रि में खड़ताराम की हत्या करने वाले अपराधियों की 3 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं की तो प्रजापत समाज द्वारा पुलिस थाना समदड़ी में धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, जिसके संदर्भ में पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के नाम समदड़ी पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया व जल्द से जल्द कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मोहनलाल प्रजापत और अन्य लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि मेरे भाई खड़ताराम की 12 तारीख को जो मौत हुई थी उसमें हमें कुछ डाउट है, तो ज्ञापन दिया है, उस बारे में जांच करेंगे। उसमें जो भी सस्पेक्टेड थे उनके बयान भी लिए हैं, परिजनों के बयान लिए, पूछताछ की है। हमारे समाज के साथ ये जो 12 तारीख को एक संदिग्ध घटना हुई थी सेवाली और कर्मावास के बीच में, खड़ताराम नाम का व्यक्ति था तो उसकी वो बॉडी मिली थी संदिग्ध अवस्था में, तो हमने पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी 13 तारीख को। तो 13 तारीख FIR दर्ज करवाने के बाद अभी तक तो कोई ऐसे हमें कोई व्यवस्थित कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। तो इसको लेकर हमारे समाज वालों ने जब हमें बुलाया कि भी आप हमारे समाज के मौजूद जो 4-10 जने आओ, और हम आए यहाँ और उनसे पूछताछ की, तो पूछताछ हमारे बीच में ऐसे आए कि हमको ये संदिग्ध हालात लग रही है उनकी वास्तव में, क्योंकि उनका मोबाइल था वो पहले जिस दिन हत्या हुई या घटना हुई उस दिन बंद था, लेकिन वो 3-4 दिन बाद में वापस वो मोबाइल शुरू हो गया। खबरों व जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज यूग। नमस्कार।